है गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। तो आप सब लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गाइज। तो गाइज आज जा रहा हूँ मैं लिटिल इंडिया में, ठीक है, आप लोगों को लिटिल इंडिया दिखाऊंगा जापान में। तो देखो गाइज, ये बस हमारा आ गया निशिकाशा स्टेशन लिखा है, इसी बस में जाएंगे। हाँ शैशो आराव करा ना, हाँ करा नहीं आपके हम। देखो गाइज, तो देखो गाइज बस आ गया हमारा, इसी बस में जाएंगे लिटिल इंडिया। देखो दो दो नियाकुजुयान पूछ दे, आपको नियाकुजुयान नियाकुजुयान। तो देखो भाई उनावर स्टेशन से बात कर दिया। तो गाइज देखो, फाइनली हम लोग पहुंच गया हूँ निशिकाशाई सिटी में। ये है निशिकाशाई सिटी, ठीक है। यहाँ पर इंडियन पीपल जो है 10% यहाँ पर इंडियन पीपल रहता है, और ऐसा गिनती में बोले तो 3000 कुछ है पब्लिक, लेकिन ये लिटिल इंडिया बोला जाता है इसको, ठीक है। ये देखो सिटी निशिकाशाई लिटिल इंडिया। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गया हूं, देखो भाई निशिकाशा सिटी में, ठीक है। हाय हाय हाय, यही सिटी है, इसको लिटिल इंडिया बोला जाता है, और इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत सारा है यहाँ पर। तो अभी हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे और दिखाएंगे आप लोग को। यहाँ पर कोलकाता किचन बोल के फेमस है एक रेस्टोरेंट, उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने के लिए। देखते कौन सा रेस्टोरेंट में जाते हैं, अभी तक फिक्स नहीं है, जाऊँगा तो पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आप लोगों को बैक कैमरा में थोड़ा दिखा देता हूँ ये सिटी। ऐसे तो वहाँ पर स्टेशन है और बस स्टैंड है, सब है वहाँ से, अभी हम लोग घूम रहा हूँ स्टेशन पे। आज ठंडी है भाई, क्लाउडी है मौसम, बारिश भी है, हल्का हल्का बारिश जैसा भी हो रहा है। मौसम उतना अच्छा नहीं है, देख रहे हैं आप लोगों को, ब्लैक देख रहे हैं। ये देखो हमारा तीन भाई जा रहे हैं सामने, एक जापानीज दो इंडियन। ये देखो अच्छा ही है सिटी, अच्छा ही लग रहा है देखने में। ये देखो भाई, ये टोक्यो फिल्म सेंटर है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ठीक है। ये देखो ये बिल्डिंग टोक्यो स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड डांस फिल्म सेंटर। ये देखो मैं थोड़ा प्यार से दिखाता हूँ आप लोगों को, और ये बिल्डिंग का भी थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखो देखो वहाँ पर लिखा है, देखो ऊपर लिखा है टोक्यो स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। तो अभी हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर है, कोलकाता किचन में क्या बोला, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, तो वहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। शायद रेस्टोरेंट पे आप पहुँच गया हूँ हम लोग, शायद देख रहे हैं वहाँ पर एक क्या लिखा है, इंदो क्या इंदो। ये देखिए इंडियन रेस्टोरेंट कोलकाता, स्पाइस मैजिक कोलकाता, इंडियन रेस्टोरेंट स्पाइस मैजिक कोलकाता, ठीक है। ये देखिए इंडियन रेस्टोरेंट स्पाइस मैजिक कोलकाता, जाएंगे इसमें। नंद जी हजमत से ओके खाते हुए दस, तो देखिए गाइज हम लोग जो है एंट्री हो गया रेस्टोरेंट में, ठीक है। ये देखिए
यहाँ पर सॉन्ग चल रहा था इसलिए थोड़ा सॉन्ग का जो कॉपीराइट आ जाता है इसलिए थोड़ा सा म्यूट कर दिया। ठीक है, ये देखो दो भाई है, एक जो है बिहार से है और एक है दिल्ली गढ़वाल से है। ठीक है, लोग से थोड़ा बातचीत कर रहा हूँ। और जो देखिए ये लोग अंदर का शेफ है और ये जो भाई है, और देखिए और एक दूसरा भाई आ रहा है, ये भाई जो है हल में कर रहा है ड्यूटी, ये भाई जो नेपाल से है। ठीक है, तो इनसे थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सॉन्ग चल रहा था इसलिए थोड़ा कॉपीराइट का वजह से मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया। और ये देखिए हम लोग सब बैठ गया खाने के लिए। ठीक है, अभी ऑर्डर वगैरह देंगे। तो ठीक है गाइस, आप लोग देखते रहिए लास्ट तक, वीडियो में बने रहिए। ओके, ये देखिए मेनू देख रहे हो हम लोग, लंच देखिए 1320 से चालू है। आज हॉलीडे है तो हॉलीडे की वजह से हॉलीडे मेनू है ये। ठीक है, ये टोक्यो में पड़ता है, मेन टोक्यो में, इसलिए थोड़ा महंगा है डिश। देखो 20 सेट, तो मैं जो वो लोग तीनों जो है ए सेट ऑर्डर दे दिया और मैं 20 सेट ऑर्डर दे दिया। ठीक है, ये देखिए सब स्लाट दे रहा है, ये स्लाट खा रहा हूँ हम लोग सब लोग, उसके बाद खाना आ जाएगा। तो देखिएगा हम सब लोग का खाना पीना हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे, तो अभी जाने से पहले सब लोग से थोड़ा मिलजुल लेता हूँ। ठीक है, शेफ लोग से भी थोड़ा मिल लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ। खाना अच्छा था, रेस्टोरेंट का नाम जो है वो तो आप लोग को पता ही चल गया, स्पाइस मैजिक कोलकाता। ठीक है, तो खाना अच्छा ही है। ठीक है, इंडियन शेफ है सब और हॉल में करने वाला जो है नेपाली भाई है। तो अभी हम लोग जा रहा हूँ, बिल पे करके जाएंगे। ये देखिए हमारे मेरा दोस्त जो है इन्होंने बिल पे कर दिया पहले से ही, चेन्नई का दोस्त है। ठीक है दोस्त, रेस्टोरेंट का नाम दिखा देता हूँ, ये देखिए इंडियन रेस्टोरेंट मैजिक स्पाइस कोलकाता लिखा है। ठीक है ना, ये देखिए देख रहे हैं आप लोगों, तो इसमें से खाना खा के निकला, बहुत अच्छा है खाना। आप लोग भी आइए कभी, अगर मिनी इंडिया में घूमने आते हो तो आप लोग भी आ जाइए। ठीक है ना, तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा इंडियन स्पाइस का दुकान दिखाता हूँ। बंद है तो इंडियन स्पाइस का शॉप दिखाना था आप लोग को, बंद है। ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना पीना खाया, ये दिखाया आप लोगों को। अभी और थोड़ा सा दिखता हूँ स्वीट का दुकान विकान है क्या, यहाँ पर क्या क्या है दिखता हूँ। ठीक है, तो ठीक है बने रहिए और दिखते रहिए, इंजॉय करते रहिए। तो ये मिनी इंडिया का स्टेशन है और अभी आप लोग को दिखाया रेस्टोरेंट में खाना पीना खा के, इंडियन रेस्टोरेंट में अभी जा रहा हूँ मिठाई का दुकान पर, इंडियन मिठाई, इंदो मिठाई ने नहीं तो मिठाई ने मिठाई वा नानी नाम आई टोक्यो मिठाई वा टोक्यो मिठाई, तो शॉप का नाम जो है टोक्यो मिठाई। ठीक है, टोक्यो मिठाई वा, तो टोक्यो मिठाई का दुकान में जा रहा हूँ अभी। तो गाइस देखो टोक्यो मिठाई का जो दुकान है इस मेट्रो सेंटर में होगा शायद, ये स्टेशन है, स्टेशन के बाजू में ये है, यहाँ से जा रहा हूँ देखता हूँ। स्टेशन का नज़दीक ही है टोक्यो मेट्रो, सॉरी टोक्यो मिठाई स्टेशन का नज़दीकी है। आप लोग कभी भी आओगे तो गूगल में मार लो, तब इजी होगा देखने के लिए। ये रोड है, टोक्यो मिठाई वाला, हाँ हाँ कुछ कुछ ही टोक्यो मिठाई वाला, हाँ ये देखो भाई टोक्यो मिठाई वाला आ गया, ये इंडियन स्वीट स्नैक्स टोक्यो मिठाई वाला लिखा है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है, ये देखो इधर आप लोग को झूम करके दिखा देता हूँ, ये ऊपर नाम देखो पहले टोक्यो मिठाई वाला। ठीक है, क्या क्या मिठाई है, ये इंडियन जो सिटी है, इंडियन सिटी मिनी इंडिया लिटिल इंडिया, इसलिए यहाँ पर जो स्वीट का दुकान है, ये देखो क्या क्या है, गोलगप्पा दही पूरी
दही भल्ला शेवपूरी चाट पापड़ी समोसा चाट भेलपूरी आलू टिक्की चाट विथ छोले आलू पूरी विथ हलवा। तो ये सब भाई इंडियन आइटम में देख लो भाई, ठीक है, ये इंडियन शॉप है, ठीक है। तो मिनी इंडिया दिखाऊंगा तो स्वीट का दुकान नहीं देखूंगा तो फिर क्या है। देखो और ये देखो, ये इंडियन डिश लगा हुआ है, देखो डोसा वगैरह। स्वीट का दुकान में डोसा भी बेच रहे हैं भाई लोगों ने, ठीक है, ऑथेंटिक साउथ इंडियन कुजिन। चलो तो देखो गाइस, ये देखो यहाँ पर इंडियन पूरा स्वीट मिल रहा है। टोक्यो मिठाई का दुकान है ये, टोक्यो मिठाई वाला, ठीक है, शॉप का नाम। यहाँ पर देखो भाई सब क्या क्या है, सब स्वीट इंडियन स्वीट है सब। देखो इतना बड़ा शॉप बना कर रखा है लोगों ने, बहुत प्यारा सा शॉप बना कर रखा। ये देखो गणपति बाबा बैठा है वहाँ पर मस्त करके, टेंशन नहीं कुछ नहीं, मस्त बैठा है। देखो ये शॉप का चेयर देखा जाए तो किसी का स्टाफ का फेस नहीं देख सकता हूँ इसलिए। कोनिचुआ, नमस्ते नमस्ते। ये देखो इंडियन हलवा नहीं है यहाँ पर ना, गाजर हलवा है। गाजर हलवा नहीं चाहिए दादा, वो ऐसा सिंपल ले लो गाजर हलवा, फिर वो देखिए भाई सब बहुत सारा स्वीट है, इंडियन स्वीट, ये जापानी टेस्ट में बनाया हुआ है। हम लोग ये जापानीज फ्रेंड के लिए ले रहा हूँ, ये फ्रेंड के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। और ये बेसन बर्फी। बस कितना हो गया, 6 बिस्कुट और एक बिस्कुट फिर मिले केक का जी, चोको बर्फी या मिले केक जी। हाँ और बर्फी रखो, ये रखो, ये बर्फी कौन सा बर्फी है, बर्फी तो नीचे है, ये है बर्फी, ये होगा ये बर्फी दे दीजिए, बर्फी पे बर्फी लिखा हुआ, ये काजू का बर्फी, हाँ ये काजू बर्फी दे दीजिए। चोको बर्फी, चोको बर्फी दे दो, हो नहीं चाहिए चोको बर्फी, इसकी का ना। अच्छा जापानी है ना, ये लोग ये ज़्यादा लाइक करेगा ना। हाँ बस ये तो देखिए, ये सब आइटम ले लिया हम लोगों ने, ये जापानीज फ्रेंड के लिए। हम लोग तो इंडिया में खाते रहते हो इसलिए नहीं खाएंगे। तो गाइस देखो, टोक्यो मिठाई से हम लोग थोड़ा मिठाई भी खरीदा, ठीक है ना। तो ये फेमस सिटी है, मिनी इंडिया है, हम लोगों ने मिठाई ले लिया, ये देखिए दोस्त के लिए गिफ्ट ले लिया, मिठाई नो मीगा तो गाइस आप जा रहे हो एक इंडियन छोटा सा सुपर मार्केट है, क्या क्या है पता नहीं है, जाता हूँ वहाँ पर दिखाता हूँ आप लोग को थोड़ा सा। ये स्टेशन का सब नज़दीकी है, आप लोग कभी अगर इस स्टेशन पे आते हो निशिकाशाई स्टेशन पे, मिनी इंडिया बोल के, ऐसा मिनी इंडिया बोलेगा तो कोई पहचान नहीं, यहाँ पर आने के बाद सबको पता चलेगा। लेकिन हाँ अगर आप सर्च करोगे जापान में मिनी इंडिया कहाँ पर है तो दिखा जाएगा निशिकाशाई सिटी पर, ठीक है। ये एक सुपर मार्केट है, इसका अंदर ही है क्या क्या पता नहीं, मैं घूम रहा हूँ, स्टेशन का नज़दीकी है सब, और खाना पीना खा के आया और रेस्टोरेंट का तो दिखाया आप लोग को डिटेल में। ये देखो एक इंडियन भाई जा रहे हैं, इतना टाइम बाद में एक इंडियन भाई का नज़र आया, जा रहे हैं साइकिल में। मियामोतो सन कोकोकरा 300 मीटर, 300 मीटर, हाँ कोकोकरा 300 मीटर है। कैसा लग रहा है आप लोग को ये सिटी, इंडिया मिनी इंडिया कैसा लग रहा है आप लोग बताइए कमेंट्स में, ठीक है। और जापान के बारे में क्या देखना चाहते हो, क्या जानकारी लेना चाहते हो, या तो वीज़ा के बारे में भी कुछ जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं आप लोग को कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो गाइस देखो हम लोग जो वहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट स्पाइस मैजिक कोलकाता से खाना खा के आया, यहाँ पर भी एक ब्रांच है, मतलब ये जो सिटी है इंडियन सिटी,
मिनी इंडियन सिटी इसी का अंदर ही है, दो रेस्टोरेंट यहाँ पर भी एक देख लिया ठीक है। ये देखिए ये स्टेशन उधर है, वहाँ से इधर इधर एक है, और यहाँ पर खाना खा के वहाँ पर भी देखा आप लोगों ने, वो भी एक है ब्रांच, यहाँ पर भी एक ब्रांच ठीक है। शायद फेमस होगा, बहुत फेमस होगा ये कोलकाता, हम लोग भी कोलकाता से ही है। अभी सामने जा रहा है इंडियन मार्केट में, वतन इंडिया मार्केट में जा रहा है भाई, वतन इंडिया ठीक है। आप लोगों को दिखाता हूँ घूम फिर के सिटी भी कैसा लगता है, आप लोगों को बताइए। इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, ज़्यादा मतलब क्या 10% है, 10% भी यार एक फॉरेन कंट्री में 10% भी रहना कम बात नहीं है। 100 में से 10 लोग होना भी कम तो नहीं है भाई ठीक है ना। ये स्टेशन से आसपास ही है, स्टेशन के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी वतन इंडिया में जा रहा हूँ, कितना दूर है पता नहीं चल रहा यार, 300 मीटर लिखा था स्टेशन के पास से। ये हाँ ये देखिए वतन इंडिया, शायद बंद है, वतन इंडिया फूड्स एंड स्पाइस यहाँ पर है। ये देखिए पास शायद मेरा ख्याल बंद है, स्पाइस वगैरह सब कुछ है बंद है। तो ठीक है भाई अंदर जाके दिखा नहीं सका आप लोगों को, यही है ठीक है। ये देखो तो ये नाम इसका नाकामा। अच्छा ये जो है रेट है ना, रेट ये चूहा होता है ना हमारे इंडिया में, तो ये चूहा का ही एक जात है। ये देखो कितना बड़ा है भाई, ये तो डुक्कर का जैसा, मैंने सोचा डुक्कर है, इसको शायद गर्मी बहुत है इसलिए पानी में सोया था कभी ठंडे का मौसम में। हम लोग जैकेट पहना हुआ और ये देखो पानी में बैठा है। कौन है चूहा निजुमी नो नाकामी ने नितामी ने निजुमी निजुमी नो नाकामी नाकामा। जो चूहा है ना उसका स्टाइल का है, लेकिन चूहा तो ये तो 100 चूहा याकू निजुमी दे एक कौन है ओके ने 100 चूहा का बराबर है ये, एक बहुत बड़ा है लेकिन उसका जैसा देखने में ये इधर मत देख, इधर 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 कोलकाता में कत बारे इधर निजुमी वा इधर। ये देखो मैं पहले सोचा ढुक्कर ना, मैं सोचा ढुक्कर है ये पोर्ट सोचा पहले ना, लेकिन ये इधर है रेट। तो गाइस देखो यहाँ पर तो चूहा का जो हमशक्ल है वो दिखाया, ये 200 चूहा मिलके एक होगा ये ना, इसका नाम पता नहीं है दोस्त ने नो मेन्शन कर लो नाम आईबा खापीपारा इसका नाम खापीपारा बोल रहा है जापानीज में। तो ये जो है चूहा है ना, चूहा उसका हम शक्ल है, तो उसका 200 मिलके एक होगा। और एक देखो देखो बकरा बकरी, ये बकरी तो है, बकरी आप पहचानते हो आप लोग इंडिया में, ये बकरी देखो जापानीज बकरी। और वो देखो उसका हाथ में क्या है, पोता जैसा लग रहा है क्या, ये भाई का हाथ में क्या है। हाँ पेचा देखो ऑयल ऑयल आवेल देखो आवेल, दादा इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आवेल बोलते हैं, उल्लू 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 एगो में क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में आवेल। ये देखो उसका हाथ में देखो आवेल, देखो पेचा उल्लू, मंगोली में पेचा बोलते हैं, हिंदी में उल्लू बोलते हैं। इधर नहीं देख रहे हो ना, ये देखो उल्लू कुनिचुआ। अच्छा तो ये मेरा जापानीज दोस्त बोल रहा है ये एनिमल स्कूल, मियामोतो-san एनिमल स्कूल, एनिमल स्कूल नहीं मिन्ना-san गक्कोशी गक्को ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। ये देखो भाई चुआ, ये देखो चुआ, ये 200 चूहा मिलके 200 से भी ज्यादा होगा यार, देखो कितना बड़ा डुक्कर जैसा है। ये मिनी इंडिया कैसा लगा आप लोगों को ये बताइए कमेंट्स करके ठीक है, और जापान का और क्या क्या देखना चाहते हो वो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, फिर आप लोग के लिए उस तरह का वीडियो में बनाऊंगा ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए खुशपश रहिए। मिन्ना-san चुतो सब लोग थोड़ा ये कर दो, हाई कर दो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है, ओके बाय। Turn us to thousands